नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल finco.com में। दोस्तों आज दोस्तों नॉर्मली मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स पे, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। दोस्तों आज मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा मुझे लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए अगर आप छोटे 18 साल से छोटे बच्चों के माता पिता हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये खासकर मध्यम वर्गीय लोगों के लिए तो अच्छा है, काफी अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। ये प्रोडक्ट दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने निकाला है और इस प्रोडक्ट का नाम है यूनियन मुस्कान, जो बच्चों के लिए एक प्रोडक्ट बनाया गया है। ये सेविंग अकाउंट है, अभी भी आप बच्चों का सेविंग अकाउंट खोलते होंगे, लेकिन इसके जो फीचर हैं दोस्तों वो बाकी अकाउंट से बिल्कुल अलग हैं और बहुत ही अच्छे फीचर हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं इसकी कंडीशंस क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं। बच्चा देखिए दोस्तों आपका होना चाहिए 18 साल से कम का, जीरो अगर बच्चा आज पैदा हुआ है तो आज भी उसका अकाउंट खुल सकता है। 0 days, 1 day से लेकर 18 साल तक होने तक ये अकाउंट आप खोल सकते हैं। इसमें आपको मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस रखना है कितना, निल नॉर्मल में। लेकिन इसका एक दूसरा फीचर है जिसमें आपको टर्म इंश्योरेंस मिलेगा RD ओपन करवाने में, तो उस फीचर को लेना है तो आपको मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 5000 रखना है। इंश्योरेंस के बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूं कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। इसमें नॉर्मली जो है 10 साल तक के बच्चों के खाते में डेबिट कार्ड नहीं मिलता है, इसमें आपको डेबिट कार्ड मिलेगा जो पेरेंट या गार्जियन चला सकेंगे। डेबिट कार्ड का इश्यू चार्ज बिल्कुल फ्री है, हाँ लेकिन आपका साल भर का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। अपने बैंक के ATM से, मतलब यूनियन बैंक के ATM से आप लोग 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल फ्री, 3 ट्रांजेक्शन पर मंथ दूसरे बैंक के ATM से मेट्रो सेंटर में और 5 ट्रांजेक्शन अदर बैंक के ATM से अदर सेंटर्स में आप फ्री कर सकते हैं। ATM की जो कैश की विड्रॉल लिमिट है वो 5000 रुपीज पर डे है। जो ATM का POS, मतलब आप ऑनलाइन सेल करते हैं पॉइंट ऑफ सेल के जरिए, तो 25000 रुपए पर डे तक आप कर सकते हैं इस खाते से। अब ये जो आप डेबिट कार्ड लेते हैं उसमें आपको फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा 2 लाख रुपए का, जो बैंक प्रोवाइड करेगा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल डेथ, अगर पेरेंट्स की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट में, तो बच्चे के नाम पर 2 लाख रुपए बैंक देगा, प्लस 2 लाख रुपए रुपए जो रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा रुपए आपको देगा, तो 4 लाख का एक्सीडेंटल डेट कवर है। फिर इसमें आपको मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग जो नॉर्मली नहीं मिलती है माइनर के केस में, वह मिलेगी, लेकिन उसमें आपको सिर्फ व्यू का जो है फैसिलिटी होगा, मतलब आप देख सकते हैं खाते में कितना बैलेंस है, क्या ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन कर नहीं सकते हैं। अगर बच्चे के एजुकेशन पर्पस के लिए आपको DD बनाना है, ये NEFT करना है, फंड ट्रांसफर करना है NEFT के जरिए स्कूल या कॉलेज को, तो महीने में, हर महीने आपको 1 DD या 1 NEFT फ्री मिलेगा अगर आप कॉलेज की फी या अपफ्रंट फी जमा कराना चाहते हैं। इसमें आपको चेकबुक भी मिलेगी, चेकबुक जो है माइनर के केस में नहीं मिलती है, इस अकाउंट में आपको चेकबुक भी मिलेगी, साल में 20 पन्ने की चेकबुक फ्री मिलेगी। उस चेकबुक का यूज आप केवल कैश विड्रॉल, NEFT और DD इश्यूएंस के लिए कर सकते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे फीचर पे, जो फीचर है RD वाला। इसमें आप एक RD खुलवा सकते हैं, RD तो आप जितनी मर्जी खुलवा सकते हैं, लेकिन एक RD ऐसी होगी जिसमें आपको, जो आप पहली RD खुलवाएंगे उस RD पर आपको टर्म इंश्योरेंस का सुविधा मिलेगा। क्या सुविधा है, मान लिया आपने इसमें आप मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 5000 रुपए की RD खुलवा सकते हैं, मिनिमम 1 साल के लिए और मैक्सिमम 10 साल के लिए खुलवा सकते हैं। तो आपने मान लिया आपने 5000 की RD खुलवा दी या 1000 की RD खुलवा दी, अब वो 1000 की RD आपने 10 साल के लिए खुलवाई, अब आपको इसमें एक टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। उसमें क्या होगा, अगर आप RD जमा कराते, पेरेंट्स RD खुलवा ली 10 साल की और एक
आपने एक टारगेट रखा कि जब मेरा बच्चा 10 साल बाद बड़ा होगा तो इस पैसे से मैं उसके लिए एजुकेशन में काम आएगा, किसी भी काम के लिए आपने रखा है। लेकिन अगर किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट में गार्जियन या पेरेंट का डेथ हो जाता है तो बैंक आरडी, अगर आपने 2 महीने या 4, मान लिया आपने 6 महीने तक आरडी जमा करी और उसका उसके बाद पेरेंट का डेथ हो गया, सिर्फ 6,000 रुपये भरे आरडी में, हजार हजार की आरडी, और डेथ हो जाता है पेरेंट का किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट में, लेकिन बैंक आपको इसमें पूरा पैसा देगा जो आपको 10 साल बाद मिलने वाला था उस आरडी का। ये टर्म इंश्योरेंस इस प्रोडक्ट के साथ मिल रहा है, जो फीचर मुझे इसमें सबसे अच्छा लगा। तो मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 10 साल। जो इसमें टर्म इंश्योरेंस का कवर है दोस्तों, वो 3 महीने बाद से स्टार्ट होगा। अगर आपने आज 1,000 रुपये की आरडी शुरू करी है तो 3 महीने जब आप भर देंगे तो वो आपका ये कवर स्टार्ट हो जाएगा। और ये टर्म इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई एडिशनल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं देना है। और जब आप ये टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो आपके जो सेविंग अकाउंट खुलवाया है मुस्कान वाला, उसमें आपको फिर एवरेज क्वार्टरली बैलेंस रखना है 5,000 रुपये का। अगर आप ये आरडी नहीं खुलवाते, टर्म इंश्योरेंस का फैसिलिटी नहीं लेते, तो वो जो यूनियन मुस्कान का जो खाता है उसमें आपको कोई एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, 0 बैलेंस पे भी आपका चलेगा। लेकिन अगर आप ये फैसिलिटी लेते हैं तो आपको 5,000 रुपये का एवरेज क्वार्टरली बैलेंस रखना होगा। इसमें आप मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ये अकाउंट ले सकते हैं और इंश्योरेंस कवर एक ही आरडी में मिलेगा आपको। आरडी आप कितनी भी खुलवा लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, मिलेगा एक ही आरडी में हर बच्चे को। तो 2 बच्चे को मैक्सिमम, मैक्सिमम एक आरडी में। अगर आप 2 लगातार महीने 2 इंस्टॉलमेंट चूकते हैं आरडी की जमा करने से तो टर्म इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो आरडी की इंस्टॉलमेंट है वो उसके सेविंग अकाउंट से ही पे होनी है, कहीं और से नहीं पे कर सकते। सेविंग अकाउंट में डालना है आप पैसा, उससे आपका पैसा कट जाएगा। तो ये जब भी आरडी मैच्योर होगी तब तक टर्म इंश्योरेंस कवरेज रहेगा, भले ही बच्चा 18 से ऊपर का हो जाए, टर्म इंश्योरेंस कवरेज रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा भी आप अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए इसमें और फैसिलिटीज, सुकन्या समृद्धि अकाउंट ले सकते हैं, दूसरी आरडी खुलवा सकते हैं, दूसरे एसआईपीज ले सकते हैं, ये सुविधा भी मिलेगी इस अकाउंट में। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपके बच्चे को आगे एजुकेशन लोन चाहिए तो उस केस में आपको 0.25% तक का छूट भी मिलेगा, इसमें कंसेशन मिलेगा एजुकेशन लोन में, जिस बच्चे का यूनियन मुस्कान अकाउंट है यूनियन बैंक में पिछले 5 सालों से, तो उसमें आपको बैंक 0.25 का इंटरेस्ट कंसेशन देगा। अगर बच्चा मेजर हो जाता है तो भी, अगर उसका सेविंग एसबी मुस्कान अकाउंट 3 साल से पहले का है तो उसमें भी बैंक 0.25% का इंटरेस्ट देगा, और पासबुक तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये थे पूरे यूनियन मुस्कान अकाउंट के फीचर्स। तो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि लोग आरडी करते हैं एक सपना देख के, मध्यम वर्गीय परिवार अपनी आरडी करता है, और कोई भगवान ना करे कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए तो उसमें जो उसने सपना देखा है कि 10 साल बाद ये जो पैसा मिलेगा वो मेरे बच्चे को मिलना चाहिए, वो मिल जाएगा चाहे वो रहें या ना रहें, और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको नहीं देना है, मात्र खाते में 5,000 रुपये का बैलेंस रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा होगा। ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपके लिए दोबारा से मैं अन्य अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट लगता है तो जरूर आपके लिए लेके आऊँगा। अदरवाइज मेरे फाइनेंशियल टॉपिक्स पे और इकोनॉमिक टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिनको.com में।